हेलो एवरीवन, आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सीजी डीएड और बीएड का नया अपडेट निकल के आया है। ये अपडेट पूरा कंप्लीट मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार की जानकारी आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। डीएड में घंटों रुझान, सीटें 7500 लेकिन काउंसलिंग के लिए आवेदन आधा भी नहीं। प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे 23000 छात्र या अन्य वर्ष से अधिक। प्रदेश में बीएड और डीएड सीटों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीएड के लिए काउंसलिंग जहां अभी जारी है, वहीं डीएड के लिए 13 अक्टूबर को आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी गई है। इस बार डीएड में छात्रों का विशेष रुझान नहीं दिख रहा है। सिर्फ 3000 छात्रों ने काउंसलिंग में शामिल होने आवेदन किया है, जबकि प्रदेश में डीलेट की 7500 सीटें हैं। इन सीटों पर प्रवेश व्यापम द्वारा आयोजित की गई प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर दिया जाएगा। व्यावसायिक परीक्षा मंडल के प्रवेश परीक्षा में 23000 छात्र शामिल हुए थे। अन्य वर्षों की तुलना में यह संख्या अधिक है। बीएड के लिए आवेदन जारी। डीलेट सीटों की पहली चरण की काउंसलिंग के लिए 18 से 13 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए थे। दावा आपत्ति के निराकरण के बाद पहली सूची 23 अक्टूबर को जारी होगी। छात्रों को 27 अक्टूबर तक का समय दाखिले के लिए मिलेंगे। पहले चरण की दूसरी सूची 3 नवंबर को जारी होगी। दूसरा चरण 12 नवंबर से प्रारंभ होगा। वहीं तीसरा चरण की काउंसलिंग 15 से 27 दिसंबर तक चलेगी। बेड सीटों में प्रवेश के लिए पंजीयन जारी है। आवेदन करने 18 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका पूरा अपडेट, मैंने पूरा अपडेट आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी इस चैनल में आपको मिलते रहते हैं।